भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने 8 विकेट से जीत लिया है। इस मैच में भारतीय विकेटकीपर तानिया भाटिया ने बहुत ही शानदार अंदाज में स्टंप किया, जिसे देखकर सबको धोनी की याद आ गई। तानिया भाटिया ने बिल्कुल धोनी की तरह ही पलक झपकते ही दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज त्रिशा चेट्टी को स्टंप आउट कर दिया। तानिया के इस तरह से स्टंप करने के तरीके से फैंस को धोनी की याद आ गई, जो काफी समय से मैदान से दूर चल रहे हैं। बता दें कि 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर त्रिशा ने लॉन्ग स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन वह अपना संतुलन खो बैठी और उन्होंने तानिया भाटिया को मौका दे दिया। उस समय उनका पैर करीब से बाहर चला गया था, बस तानिया ने पलक झपकते ही फुर्ती दिखाई और बेल्स गिरा दी। त्रिशा 14 रन बनाकर आउट हो गई। इस मैच में साउथ अफ्रीकी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीकी टीम 45.1 ओवर में 164 रन बना पाई। दक्षिण अफ्रीका से मिले लक्ष्य के जवाब में भारत ने 50 गेंद शेष रहते 8 विकेट से मैच जीत लिया, जबकि भारत की तरफ से डेब्यू मैच खेल रही प्रिया पुनिया ने 75 रन नाबाद बनाकर मैच में महत्वपूर्ण योगदान दिया।